नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं एक सोलर पैराबोलिक कुकर एक सैटेलाइट डिश से। दोस्तों आपने बचपन में तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगाते ना बच्चे, वो तो आपने किया ही होगा। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि सन का रे रहता है वो ऐसे आता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास में जाता है और बाद में वो एक छोटा सा पॉइंट बन के बाहर निकलता है। तो बेसिकली हम लोग सन रेज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उस कॉन्सेंट्रेट रेज में इतनी ताकत होती है कि वो एक चीज़ को जला देगा। अभी नॉर्मली ये कैसे काम करता है, इसका काम क्या होता है कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं टीवी वाले, और टीवी वाले सैटेलाइट सिग्नल छोड़ते हैं, सिग्नल को इसको ये पकड़ता है, रिफ्लेक्ट करता है। और क्योंकि दोस्तों इसका जो शेप है वो देखो ऐसे पैराबोलिक शेप है, बराबर है, ये देखो पैराबोलिक शेप होने की वजह से ये उसको रिफ्लेक्ट करता है यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर आगे वो LNB लगा होता है। तो LNB क्या करता है, रिसीव करता है कॉन्सेंट्रेटेड सिग्नल को रिसीव करता है और फिर बाद में वो भेजता है सेट टॉप बॉक्स को, सेट टॉप बॉक्स प्रोसेस करके आपके टीवी को भेजता है, टीवी चालू हो जाती है और आपको कुछ भी देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो। ओके, तो ऐसे काम होता है, इसका काम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करना होता है। और वही फंडा यूज़ करके हम लोग DIY सोलर कुकर में इसको जो सन करे है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और एक जगह पर जमा कर देंगे, उसकी वजह से टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ता है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, अगर आप ये बनाने वाले हो, आप सोच रहे हो इसके बारे में, तो बेशक बना लीजिए, लेकिन इसको यूज़ करते टाइम पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली बच्चों के लिए या फिर जबकि भी आप यूज़ करो, को हाईली रिफ्लेक्टिव एरिया रहता है इसका, इसलिए आपको हमेशा गॉगल यूज़ करना है इसको यूज़ करते समय। अब दोस्तों इसको तो मैंने बना दिया है लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये बनाया कैसे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक डिश लो, वो जो पॉलिश पेपर आता है हार्डवेयर में मिलता है 5-10 रुपए का, वो लेके आइए, अच्छे से घिसिए इसको सब जगह से और पानी डालिए, और तभी ये सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए। एक बार सरफेस स्मूथ हो गया तो एक रिफ्लेक्टिव फॉइल ऐसे ये आता है, ये मतलब जो बाइकर्स लोग रहते हैं ना या फिर जो कार में लगाते हैं, स्पेशली बाइकर लोग जब जैकेट पहनते हैं रात के टाइम पर तो रिफ्लेक्टिविटी के लिए वो अपने जैकेट पर ये ऐसे स्लीव पर ऐसे लगा देते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अदर देन दैट आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करोगे तो बहुत उसमें मतलब चिक 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 ऐसे होता है और वो परफेक्टली शेप नहीं आता है। बस इतना ही होता है, फॉइल लगा दिया, ये लगा दिया और फिर सनलाइट में रखो, फोकल पॉइंट के ऊपर कुछ भी जो आपको गर्म करना है वो रखिए और आपका काम हो गया। अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो इतना परफेक्ट नहीं आ रहा, आप मेरा हाथ देखो अंदर, रिफ्लेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी ये मेरे काम आ रहा था। अभी मैं इसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये कॉपर का वाटर प्योरीफायर है, इसके ऊपर का मैंने निकाल दिया है बेसिकली, तो ये नीचे का है सिर्फ यहाँ पे, और इसमें दोस्तों 11 लीटर पानी बैठता है। इसको मैंने बाहर से ब्लैक कलर दे दिया है। कॉपर इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड मतलब जितने भी मेटल्स हैं सब में सबसे बेस्ट कंडक्टर इसका है हीट का, तो इसीलिए दोस्तों इसको मैंने यूज़ किया है। हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स मोस्ट हीट, लाइक 99% हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक कलर होने की वजह से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं क्या करता था कि इसको ऐसे यहाँ पे रख दिया, सामने से सन आ रहा है यहाँ पे, इसको ऐसे रख दिया, वो पूरा रिफ्लेक्ट करके इधर ऐसे एक पॉइंट पे इधर मार देगा ऐसे, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे सन मूव होता है तो ये ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर नीचे आना, सुबह के टाइम पे नीचे आता है ऐसे। ओके, क्योंकि सन ऐसे रेज हो रहा है तो ये नीचे आएगा। लाइक एक घंटे में ये 10 लीटर पानी को, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है 28 डिग्री का होता है, तो 28 से वो 52 डिग्रीज तक लेके जाता था, और 52 डिग्रीज 10 लीटर पानी बहुत होता है नहाने के लिए, एक बंदे का नहाने का इंतज़ाम इसमें हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि यार रिफ्लेक्टिविटी कम है तो अगर मैंने अच्छा वाला कुछ मटेरियल यूज़ कर दिया तो और भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए क्या किया मैंने कि ये एक मिरर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, और जितना छोटा मिरर उतना अच्छा, तो ये ऐसे कुछ मिरर्स आते हैं, ये बिक्री केंद्र करके अमेजोन पर एक सेलर है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अब ये एक्रिलिक मिरर्स है, ये नॉर्मल ग्लास मिरर्स नहीं है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्टिविटी मतलब उतनी है, अगर उसकी 100 है ग्लास की तो इसकी 90 रिफ्लेक्टिविटी, और काफ़ी सही है ये, और काफ़ी लाइट वेट भी है, और ये 3x3 सेंटीमीटर का ये पीस है। और अभी आपको लगता रहेगा कि ये भी तो इस पर भी तो रिफ्लेक्टिविटी आ नहीं रही है, क्योंकि उसके ऊपर दोस्तों एक लेयर लगा हुआ है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको निकालना होता है जब कभी भी हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरी साइड पे ना एडहेसिव टेप है इधर, तो चिपकाने के लिए भी मस्त भाई की आराम से हो जाता है। डायरेक्ट रेडीमेड ये 200 का सेट मिलता है, ठीक है, तो इसके बाद में रिफ्लेक्टिविटी और अच्छे से बढ़ जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग वापस से निकाल देंगे और ये एक्रिलिक मिरर्स को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरी तरीके से टेप निकाल दिया, लेकिन उसके पीछे ना एडहेसिव लगा था ना,
मतलब चिकटपट्टी लगा था, तो इसकी वजह से वो पूरा लाइंस आ गया और वो चिकटपट्टी रह गया है। अब दोस्तों अच्छे से हम लोग ने इसको क्लीन कर दिया है, जो भी स्टिकी पार्ट था मतलब जो एडहेसिव बाकी था उसको हम लोग ने डिटर्जेंट से घिस दिया स्कॉच ब्राइट लेके, उसको अच्छे से वो फटाफट निकल गया। और बीच में हम लोग ने यहाँ पे एक टेप यहाँ पे लगाया है ताकि हम लोग को सेंटर का रेफरेंस मिल जाए, और इसके ऊपर से हम लोग सेंटर से चालू करेंगे इसको एक्रेलिक मिरर्स को लगाना। तो फ्रेंड्स एक एक करके मैंने ये लाइन पूरी फर्स्ट वाली कंप्लीट कर दी है। इसी तरीके के साथ हम लोग पूरा जो है डिश वो एक्रिलिक मिरर से भर देंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे पेपर बर्निंग टेस्ट, पेपर को लेके बर्न करके देखेंगे। पहले वाला रिफ्लेक्टिव टेप वाला DIY मैंने किया था उसके अंदर पेपर नहीं जला था, लेकिन इसमें देखते हैं पेपर जलेगा या नहीं। फाइंड अ फोकल पॉइंट, ये हो गया इसका फोकल पॉइंट, और ये देखिए दिस इज वर्किंग। देखिए आप होल देख सकते हो, नको गयो हम, ये देखिए आग लग गई है यहाँ पे, सो लेट्स कीप इट हियर। ये देखिए तो अभी हम लोग इसके ऊपर पानी गर्म करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों टेम्परेचर यहाँ का 22-20 degrees Celsius है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको रख देंगे। सो गाइज ये है अपना सेटअप, यहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये जो कॉपर का है मेरे पास यूटेंसिल था, और ये इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं कितने टाइम में पानी गर्म होता है। रफली अभी जो टेम्परेचर है पानी का वो 20-22 degrees के बीच में होगा, बिकॉज मेरा थर्मोमीटर ख़राब हो गया तो मैं एक्चुअली बता नहीं सकता इसको, बट ये स्पॉट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर मूव होता है, तो यू हैव टू एडजस्ट दिस अकॉर्डिंगली आफ्टर लाइक 5-10 minutes, ठीक है। और 40 minutes तक ये नॉर्मली गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी इसको ऑलमोस्ट 45 minutes हो गया है, और दो बार मुझे एक्चुअली इसको वहाँ से मूव करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। ये फोकल पॉइंट हो उस तरफ मूव हो रहा है उस तरफ, क्योंकि सन इस तरफ जा रहा है ना, तो फोकल पॉइंट इज मूविंग यहाँ पे। आप ये देखिए बहुत हॉट हो गया ये, यस, और इस तरफ देखिए यहाँ पे आपको बुड़बुड़ी दिखाई दे रहा है, राइट ये देखिए। तो गर्म तो हो गया पानी, और ये जब पानी गर्म होता है ना तब आप एक पानी के अंदर डिज़ाइन भी देखते हो, तो आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल, बट ये देखिए डिज़ाइन भी दिख रहा है। तो पानी गर्म हो रहा है, मेरे पास एक्चुअली थर्मोमीटर नहीं है तो मैं टेम्परेचर दिखा देता। सो ओ हो काफ़ी हॉट है, आई मीन 55 degrees तक हॉट रहेगा ये। ओ हो हो हाँ, ये जब मैं मूव कर रहा तभी, और मतलब ज़्यादा देर तक रख नहीं सकता इसको मैं हाथ। ओहो हो ठीक है, सो दिस इज़ वर्किंग 45 minutes में। और इसको फ्रेंड्स आप है ना, इस मेरे जो एक प्रीवियसली मैंने बनाया था इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो दोनों को कपल करोगे ना तो लाइक हाफ एन आवर या फिर 25 minutes में आपका इतना पानी गर्म हो जाएगा। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ये भी एक अच्छा है कुकर, ठीक है, बट ये अभी साइड में रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स ये था सब कुछ सोलर पैराबोलिक डिश के बारे में। 45 मिनट्स इज स्टिल अ डिसेंट टाइम, मतलब मेरा तो वर्क फ्रॉम होम चालू था तो वो टाइम पे मैं बस इसको लगा के नहा लेता था थोड़ी देर के बाद में, तो दिस वाज गुड। आप शायद यहाँ पे देख सकते हो कि शायद आई एम नॉट श्योर, ये देखिए ठीक है। सो दिस वर्क्स। Thank you for watching. Please like, share, subscribe. Thank you.